भरद्वाज मुनि को भरत के प्रति श्री राम के स्नेह का पूरा ज्ञान है। इसी आधार पर वे भरत को विचलित देख सांत्वना देते हुए आश्वस्त करते हैं कि श्री राम के लिए उनके समान प्रिय कोई दूसरा नहीं है। उनका तो ये कहना है कि भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ही श्री राम के प्रेम ने भरत रूपी शरीर धारण किया है। भरत का यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। चंद्रमा तो अस्त होता है, प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, किंतु भरत का यश रूपी चंद्रमा कभी अस्त नहीं होगा। जगत के आकाश में वो दिन दूना बढ़ता रहेगा। भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानि हो रही है। मैं जगत से उदासीन तपस्या रत हूं। मुझे श्री राम सीता और लक्ष्मण के दर्शनों का सुयोग प्राप्त हुआ, किंतु अपने सत्कर्मों का सबसे बड़ा परम फल मुझे आज तुम्हारे दर्शन से प्राप्त हो रहा है। भरद्वाज मुनि के वचन सुन पूरी सभा हर्षित हो गई। देवताओं ने साधु साधु कहकर पुष्प वृष्टि की। अब अति कीने वो भरत भल, तुम ही उचित मत दे हो। सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण सने। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा पूरी भाग को तुम्हारी समान। यह तुम्हार आचर चुनता दशरथ सुवन राम प्रिय भाना। सुनहु भरत रघुबर मन मानी प्रेम पात्र तुम तम पूना। लखन राम सीत ही अति प्रीति सब तुम ही सराहत में। जाना वरम नहात प्रयागा मगन हो ही तुम्हारे अनुराग। तुम पर अस सने रघुवर सुख जीवन जग जस जग।
पर